आगरा में विधानसभा चुनाव को लेकर के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को एक कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। यहाँ पर हम इस समय उसी कमांड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? साहिल नाम है सर। साहिल जी, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, क्या सिस्टम है पूरा? सर, पूरा अपना विधानसभा में यहाँ पर पूरा कंट्रोल रूम बना रखा है हमने। कंट्रोल रूम के अंदर यह सारा सिस्टम पर शो करता है कि कितना कैमरा है। 1956 कैमरे लगे हैं और उसके अंदर लाइव कितने हैं, ऑफलाइन कितने हैं, ये दोनों दिखाता है। कोई ऑफलाइन होता है तो हम टीम को कॉल करते हैं, टेक्निकल टीम को कॉल करते हैं, वो टीम उसको जाके ठीक करती है, उसके बाद वो ऑनलाइन हो जाते हैं। ये होता है। अभी किस तरह की समस्याएं, अभी सवेरे से चल रहा है, किसी तरह की दिक्कत कहीं से आई? दिक्कत कहीं ऐसी कोई नहीं आई है। एक आध दो प्रॉब्लम आई हैं तो वहाँ अपनी टीम को हम भेजते हैं, वो उसको सॉल्व कर देती हैं। ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। टीम जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर के कितना टाइम फ्रेम लगता है, जब आप इन्फॉर्म करते हैं तो कितने समय में पहुंचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का समय लगता है। टीम वहाँ पहुंचती है, हर क्षेत्र की टीम होती है, उस टीम को कॉल किया जाता है, 15 मिनट में पहुंच जाती है, उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर यहाँ लाइव दिख जाता है, सारे कैमरे लाइव हो जाते हैं। तो एक बेहतरीन सिस्टम बनाया गया है पूरे चुनाव को कमांड करने के लिए। कैमरों के जरिए सारे बूथों पर नज़र रखी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की समस्या अगर वहाँ पर आती है तो उस पर तत्काल टीम भेज करके उसका निस्तारण कराया जाए। कैमरामैन साहिल के साथ अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार।